Hey everyone, I'm Runti and welcome to my channel. तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 2 मीटर कपड़ों में प्लाजो पैंट और टॉप बनाना घर पे पहनने वाला बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ 5 मिनट में कैसे आप प्लाजो पैंट बना सकते हैं। सो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो इस पैंट में होगा सिर्फ एक ही सिलाई, आपको दोनों साइड पे सिलाई देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसमें हमें 1/10 लगेगा प्लाजो पैंट में, बाकी का हम टॉप बनाएंगे। तो इसमें मैं ऐसे डबल फोल्ड करके फिर उसे डबल कर रही हूँ। यहाँ पर हम 1.5 इंच से निशान लगाते हुए जाएंगे मार्जिन के लिए। तो पूरा निशान लगाने के बाद हम सारे निशानों को जोड़ लेंगे एक लाइन पे। तो अगर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पर 36 का हाइट मिल जाएगा प्लाजो का। अगर आप इससे ज़्यादा हाइट चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से हम मार्क करेंगे 9.5 पे, क्योंकि हम प्लाजो की कटिंग करेंगे हिप साइज़ की नाप से। तो हिप साइज़ हमारी है 34 और लूजिंग के लिए हम जोड़ रहे हैं 4 इंच, तो आता है 38 का चौथाई भाग होता है 9.5 इंच। अब हम लेंगे आसन का नाप, तो हिप साइज के चौथाई भाग से हमें 2 इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ से 2 इंच हम ज़्यादा लेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगर आप प्लाजो की पैर में ज़्यादा फोल्ड चाहते हैं तो आपको ऐसा मार्क करना होगा, मतलब मिडिल वाला हिस्सा थोड़ा सा अंदर जाएगा और पैर वाला हिस्सा फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे पैर में इतना फोल्ड नहीं चाहिए तो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही आपको दिखा दिए हैं। अब मैं सारे लाइंस को जोड़ रही हूँ जहाँ से मुझे कटिंग करना है। अब जोड़ लिया है तो अब मैं करने वाली हूँ कटिंग। तो जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है वही यहाँ पर मैं गोलाई दे रही हूँ। सो कटिंग हो गई है पूरा। अब हम करने वाले हैं सिलाई। तो आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल 5 मिनट में प्लाजो बन के रेडी हो जाएगा। अभी हमें यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप देखिए कमर वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे और ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइड पे ही, आप देखिए। और इसे मैं अब सीधा कर रही हूँ, तो एक प्लाजो का पैर हमारा उल्टा रहेगा और दूसरा सीधा रहेगा। तो आप देखिए मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ और हमें एक बिल्कुल समान रखना है, जहाँ पर इसका पैर है वहीं पर रखना है और कमर वाला बिल्कुल कमर में आना चाहिए। और अब देखिए सिलाई कैसे लगानी है हमें। तो आप देखिए मैंने पूरा सीधा कर लिया है, कहीं भी कोई भी असमान नहीं रहना चाहिए। अब हमें यहाँ से लेकर बिल्कुल दूसरे हिस्से तक हमें सिलाई लगाते जाना है, ऐसे ही जैसे मैंने दिखाया आपको। सो ये वाला सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखिए पूरा जैसा मैंने दिखाया था वैसा ही मैंने सिल लिया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी, तो सीधा करने के बाद अब देखेंगे प्लाजो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। सिर्फ हमें इसके अंदर जो इलास्टिक है वो डालना है, तो अब हमें इलास्टिक कट करना है। तो जो हमारा कमर का नाप है उससे बस 2 या 3 इंच हमें छोटा लेना है इलास्टिक, ज़्यादा छोटा लेने से वो टाइट पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पर मेरा 28 इंचेस का आता है तो मैं 26 इंचेस ले रही हूँ कमर का। तो जो हमने
डेढ़ इंच का मार्जिन रखा था, वही हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमें पहले से मार्क किया हुआ है, उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और उसके अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे। तो अभी हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो हमें पूरा सिलाई नहीं करना है, थोड़ा सा ही छोड़ देना है और यहाँ से हमें पूरा इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेना है और फिर हमें इलास्टिक को जोड़ लेना है और बाद में हमें वो वाला हिस्सा भी जोड़ लेना है। तो हमने इलास्टिक भी अंदर डाल दिया है। अब देखिए, अब मैं लास्ट फिनिशिंग वाला सिलाई दे रही हूँ। तो ये सिलाई हो जाने के बाद हमारा प्लाजो बिल्कुल पहनने लायक हो जाएगा और बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये आसान सी वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो आप भी घर पे बना सकते हैं 5 मिनट में प्लाजो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ के लिए।